मथुरा में राधा रानी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और राधा अष्टमी के इस शुभ मौके पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से बरसाना और वृंदावन पहुंचते हैं और राधा रानी के दर्शन और पूजन अर्चन करते हैं। तो कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला राधा रानी के जन्म स्थान बरसाना में, जहाँ राधा अष्टमी के चलते 21 सितम्बर की शाम से ही बरसाना में वाहनों की एंट्री को प्रतिबंधित कर दिया गया। मेले में दोपहिया और तिपहिया वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गयी। तो वही मथुरा के गोवर्धन में श्री राधा रानी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की अंतर शक्ति मानी जाने वाली श्री राधा रानी के धाम बरसाना में राधा रानी का जन्म अभिषेक ब्रह्म मुहूर्त में परंपरागत रूप से विधि पूर्वक संपन्न किया गया। पुजारियों ने करीब 1 घंटे तक राधा रानी के विग्रह का पंचामृत से अभिषेक किया। तो वहीं देश विदेश से आए लाखों भक्तों ने महाभिषेक के इस अद्भुत पलों के दर्शन कर पुण्य प्राप्त किया। सभी भक्त नाच गाकर राधे जी की जन्म की खुशी में घूमते दिखे। इस दौरान मंदिर परिसर ही नहीं समूचा बरसाना राधा रानी के जयकारों से गूंज उठा। वहीं मंदिर परिसर वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजायमान हो उठा। साथ ही मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सुविधाओं को लेकर मथुरा SSP ने क्या बताया, आप भी सुनिए। देखिए, विश्व प्रसिद्ध राधा अष्टमी का त्यौहार पूरे जनपद में बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। सभी मंदिरों में दर्शन पूजन और श्रद्धालुओं की भीड़ है। अगर हम बात करें तो बरसाना में सबसे बड़ा जो आयोजन होता है राधाष्टमी का, वो चल रहा है आज शाम तक में। काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। अभी मंदिर का पट बंद हो चुका है और अर्ली मॉर्निंग से पुनः अभिषेक और दर्शन जो है चलेगा, पूरे दिन तक चलेगा। सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पूरे क्षेत्र को 5 जोन और 17 सेक्टर्स में डिवाइड करके एडिशनल SP CEOs तथा सब्सिक्वेंटली SO SHOs तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा रानी के जन्मोत्सव की धूम पूरे मथुरा में मची हुई है, लेकिन इसका असली आनंद राधा रानी के गांव बरसाना में देखने को मिलता है। यहां लोग शाम से ही नृत्य पूजन और अर्चन करके राधा अष्टमी मनाते हैं। हम आए हैं बरसाना, हरियाणा से स्पेशल। हम आते हैं होली और राधा अष्टमी के त्यौहार पे हम जरूर आते हैं। आप जैसे देख सकते हैं बरसाना में जो लाडली जी महाराज का मंदिर है वो बहुत ही सुंदर सजाया गया है। यहाँ पे जितनी भी मेरी सखियां हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, सभी तैयार साज श्रृंगार करके आती है, क्योंकि वो श्री जी की सखियां होती हैं। तो आप सभी भी जरूर आए वृंदावन और बरसाना। गौरतलब है कि वृषभान नंदिनी ने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बरसाना में जन्म लिया था और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को जन्म लेने की वजह से बरसाने में राधा अष्टमी हर्षोल्लास से मनाई जाती है। तो फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाएं ताकि किसी भी खबर से आप चूक न जाएं।